फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ बिजनेस में। आज आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेके आए हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गूंथने के बाद में हमारा आटा इस तरीके से तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा हमें जो ये आटा थोड़ा सा हमें इस मशीन के ऊपर इस तरीके से डाल लेना है, जिससे कि ये आटा इसके चिपके ना, इस रोल के चिपके ना। सिंपली हमें क्या करना है, इस आटे को, ये दो रोल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ऊपर और नीचे, इसके बीच में हमें इसे डालना होता है। सर एक बार डाल करके दिखाना। जैसा कि सर अभी यहाँ पर डालने वाले हैं, जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया कि पूरा सूखा आटा इसके ऊपर लगा लेना, जिससे कि ये चिपके ना हमारा आटा, ठीक है। अभी आप लोग देखने वाले हैं इस तरीके से हमें इस मशीन के अंदर लगाना है। लगाने के बाद में जो पूरियां किस तरीके से बन करके आती है, वो चीज़ मैं आप लोगों को इस साइड में दिखा देता हूँ। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अभी ये जो आपको बहुत सारे छेद दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर ये पूरियां बन करके तैयार हो रही है, ठीक है। ये इस तरीके से तैयार हो जाती है। अब जो ये वेस्टेज निकल जाता है, इसको हमें फेंकना नहीं है, जो इसको हमें मतलब कि यहाँ पर इस तरीके से रख लेना है। वापस से हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके वापस से हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पूरियाँ बन करके तैयार हो रही है। देख पा रहे हैं कितनी शानदार है, पूरा मतलब कि गोल, पूरी तरीके से गोल है। आप अगर हाथों से ये चीज़ करते हैं तो आप भी समझते हैं कि आपको कितना ज़्यादा वक्त लगता है इन चीज़ों को बनाने में। आप 2-3 दिन में जितनी पूरियाँ हाथों से बना सकते हैं, वो इससे कुछ घंटों के अंदर आप इस मशीन से वो चीज़ तैयार कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इससे अगला वाला प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इन्हें जो हमारी कढ़ाई होती है, कढ़ाई के अंदर जैसे कि हम पहले तो वैसी कढ़ाई रखते थे जो कि हमारे चूल्हे के ऊपर तैयार होती थी, लेकिन यहाँ पर चूल्हे वाली कढ़ाई का यूज नहीं करने वाले, चूल्हे का यूज नहीं करने वाले। एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसके तरीके से, उसके जरिए से हम इस चीज को पूरा प्रॉपर तरीके से बना करके आप लोगों को दिखाना। जैसा कि हमने आप लोगों को दिखाया था कि पूरियां मशीन से किस तरीके से तैयार होती है, उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। जैसा कि हमें जो भी हमारी पूरियां होती है, इनको कपड़े से ढक करके रखना होता है। ढकना इस वजह से होता है कि सूखे ना, ठीक है। इस तरीके से हमने कवर करके इसको यहां पर रख दिया है, और अब यहां से हम लोग इस मशीन के अंदर डालने वाले। सबसे अच्छी और बेस्ट बात यह हो सकती है आप लोगों के लिए कि दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब भी पूरियां बनती है तो हम चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रख करके और उसके अंदर तेल डाल करके जो हमारी पूरियां होती है इनको तैयार करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा पूरा शरीर काला पीला हो जाता है। यह तो एक अलग बात हो गई। इसी के साथ में जो ऑयल हम इसके अंदर डाल रहे हैं वो भी पूरी तरीके से काला हो जाता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। लेकिन यहां पर देखने वाले हैं कि ये सिर्फ बिजली से चलने वाली मशीन है, और यहां पर तेल भी देखिए पूरा काला भी, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ, आप देख भी पा रहे होंगे। और ये पूरियां देख लीजिए आप एक बार, इधर देखिए कितनी फूली फूली, जितनी मोटी मोटी पूरियां आप लोगों को दिखाई दे रही है, और इतनी ज्यादा ये देखिए बिल्कुल लाल पूरियां बनकर के तैयार हो रही है, बिल्कुल कड़क पूरियां बनकर के तैयार हो रही है। ऐसा नहीं कि सीलन आ रही हो, किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो। अगर कोई भी बंदा एक बार आपके पास में इस तरीके की पूरियों को खाएगा तो दोबारा जरूर आएगा, दोबारा नहीं परमानेंट आपका ग्राहक बन सकता है। अब देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितनी ज़्यादा टाइट पूरियाँ ये बनकर के तैयार हो रही हैं। ये देख लीजिए, देखिए ये होता है इस मशीन का कमाल, जो कि हम एक वैसी मशीन से नहीं कर सकते हैं। आपको काला पीला होने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली आपको बिजली से चलने वाली मशीन के अंदर इस चीज़ों को तैयार करना है और मार्केट में सेल करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट इस चीज़ का इतना बड़ा है कि इंडिया के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पानी पूरी खाना पसंद नहीं करता हो। हर एक इंसान को पानी पूरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और आप अपने एरिया में सिर्फ एक बार अगर अपने किसी से बात कर ली जो भी पानी पूरी सेल करते हैं, तो वो परमानेंट आपका ग्राहक होता है कि आप रेगुलर बेस के ऊपर आप ही से वो सारी चीज़ें खरीदने के लिए तैयार होता है।